हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग के ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नेम है यूजर नॉट फाउंड। सो ये स्टोरी है यू मिन जे की, जो एक दूसरी लड़की की लाइफ जी रही होती है एंड क्यों, ये आपको ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग में हम देखते हैं यू मिन जे जो अपने बारे में बता रही है कि मैं एक न्यू स्कूल में जा रही हूँ जहाँ मुझे एक न्यू शुरुआत करनी है, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन वहाँ जाकर मैं एक काफ़ी पॉपुलर लड़की बनना चाहती हूँ जिसे हर कोई जाने। आगे वो अपने नए स्कूल आती है एंड कहती है, जो भी मैंने सोचा है काश सब कुछ वैसा ही हो। वेल गाइज, ये एक स्कूल ड्रामा है, अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी पसंद आएगा। सो यू मिन जे की नज़र उस स्कूल के एक ग्रुप पे पड़ती है जिसे देखकर वो कहती है, मैं ऐसे ग्रुप में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वेल आगे क्लास में टीचर यू मिन जे के बारे में सबको बताते हैं कि ये एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, देन उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं। तो वो अपने फर्स्ट स्कूल के बारे में सोचने लगती है कि जब वहाँ उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो सबने उसे इग्नोर कर दिया था, कहीं ऐसा उसके साथ यहाँ भी ना हो। वेल वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम यू मिन जे है, तो सब उसका क्लैपिंग के साथ वेलकम करते हैं जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। देन आगे लंच ब्रेक में वो सबसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसे सब इग्नोर कर देते हैं, तो वो काफी अपसेट हो जाती है कि शायद यहाँ भी मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाएगा। देन तभी वो बाहर आती है एंड एक गर्ल से टकरा जाती है एंड सोचती है शायद ये भी दूसरों की तरह ही उसे इग्नोर कर देगी, लेकिन वो गर्ल उसे सॉरी कहती है एंड एक चॉकलेट देखकर पूछती है, क्या तुम खाओगी, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा कुछ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। तभी एक पास्ट दिखाते हैं कि जब वो फर्स्ट स्कूल में किसी को भी कुछ शेयर करती थी तो उसे सब मना कर देते थे एंड ऐसा सब कुछ उसके साथ उसकी अगली पर्सनालिटी की वजह से होता था, जिसे चेंज करने के लिए वो इस स्कूल में एक नई गर्ल यू मिन जे बनकर आई है एंड उसका रियल नेम क्या है वो किसी को नहीं पता होता। देन तभी एक गाय दूसरी गाय को उस गर्ल के बारे में बताता है कि ये वही गर्ल है जिसका ट्रांसफर हुआ है, तो वो उसे देखने लग जाता है एंड इस गाय का नेम है शिन इजुन, जो इस ड्रामा का मेन मेल लीड है। सो मिनजी उसकी चॉकलेट ले लेती है एंड आगे काफी खुश हो जाती है कि यहाँ उसके साथ शायद पैसा नहीं होगा जैसा ओल्ड स्कूल में होता था। तभी उसके पास तीन गर्ल और आती है, हैन जीवान जिसका पॉपुलैरिटी लेवल 57 है, दूसरी यून जी एंड तीसरी किम दाए। वो मिनजे सोचती है ये सब मुझसे क्यों बात कर रही हैं। जीवान मिनजे से कहती है, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, जिसे सुनते ही दिखाया जाता है कि मिनजे ने यहाँ आने से पहले पर्सनैलिटी क्लास ली थी कि वो कैसे ब्यूटीफुल दिख सकती है एंड सोचती है लगता है मेरा न्यू स्टाइल काम कर गया। वेल किम दाई उसे कहती है, तुम गंगनम से आई हो ना, तुम काफी पॉपुलर हो एंड तुम्हारा स्टडी लेवल भी काफी हाई है। तो वो सोचती है रियल मिनजे स्टडी में अच्छी है लेकिन मैं नहीं। वेल जीवान उससे कहती है, चलो हमारे साथ लंच करने चलते हैं। देन उसे ले जाती है जहाँ मिनजे काफी खुश हो जाती है। आगे जीवान अपने ग्रुप के पास आती है एंड मिनजे से कहती है, मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो मिनजे सोचती है जीवान के कितने सारे फ्रेंड्स लड़के हैं लेकिन मैंने आज तक कभी भी लड़कों से बात नहीं की, मैं इनसे क्या बात करूंगी। तभी एक एक करके सब उसे अपना इंट्रो देते हैं, जिसमें से एक शिन हेजुन, दूसरा किम सॉन्ग सू एंड थर्ड जो अपने बारे में उसे कुछ भी ना बताकर जा ही रहा होता है कि तभी उसका ब्रेसलेट मिनजे के स्वेटर में फंस जाता है एंड वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी मिनजे उसे सेव कर लेती है एंड ये सीन काफी कमाल का होता है एंड दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं एंड सब उन्हें घूरने लगते हैं। वेल ये हमारा वही मेल लीड है शिन ई जुन, जो इस स्कूल का सबसे हैंडसम एंड पॉपुलर गाय है। तो ई जुन मिनजे की साइट आकर उसे घूरने लग जाता है एंड चला जाता है। तो मिनजे सोचती है क्या मैंने कोई गलती कर दी, तो जीवान उससे कहती है डोंट वरी, वो ऐसा ही है। तो हेजुन मिनजे से ईजुन की तरफ से सॉरी बोलकर चला जाता है।
तो उसकी फ्रेंड्स उसे बताती हैं कि हैजुन ईजुन से बिल्कुल अपोजिट है, जो क्लास का प्रेसिडेंट है और उसके ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं एंड नेचर में भी काफी काइंड है। वेल आगे मिंजी के पास आकर उससे पूछता है, क्या तुमने स्कूल ऐप डाउनलोड किया है? तो वो उसे दिखाकर कहती है हाँ। तो वो उसे उसका यूज बताता है कि तुम्हें इस पे स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन आगे हैजुन दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प करने जाता है कि तभी हैजुन वहाँ आ जाता है अपनी बुक लेने, जो वो म्यूजिक क्लास के लिए भूल गया था। तो मिंजी उसे देखने लगती है तो योनजी उससे कहती है, हैजुन अब थोड़ा सुधर गया है, पहले उसने सभी सीनियर गर्ल्स को डेट किया है और उसकी ऐसी हरकतों को हैजुन को सुधारना पड़ता था। तो वो उसके बारे में सोचकर स्माइल करती है। आगे हम देखते हैं मिंजी के पास भी म्यूजिक सब्जेक्ट होता है एंड वो भी म्यूजिक क्लास के लिए आ जाती है। तो वहाँ हैजुन एंड सोंगसू भी आते हैं, जहाँ सोंगसू मिंजी को यूजिन के साथ वाली सीट दे देता है। तो मिंजी हैजुन को बार बार घूरने लगती है। आगे हम देखते हैं कुछ गर्ल्स मिंजी के बारे में बात करती है कि क्या तुमने नई लड़की को देखा, उसका नाम मिंजी है, लोगों ने बताया था कि वो इस स्कूल में आने वाली है और वो बिल्कुल वैसी ही ब्यूटीफुल है जैसा उन्होंने बताया था। तो वो उनकी बातें सुनकर कहती है, लोगों को लगता है कि मैं वही मिंजी हूँ जिसके बारे में वो सोचते हैं, लेकिन अगर उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा तो कहीं वो मुझसे हेट ना करें। कि तभी हैजुन वहाँ आता है एंड उसे कहता है, तुम यू मिंजी नहीं हो ना, जिसे सुनकर वो काफी घबरा जाती है एंड कहती है, मैं यू मिंजी ही हूँ। तो हैजुन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मिंजी होने की एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि मिंजी कोई और है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे ओल्ड स्कूल में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, इसलिए तुमने यहाँ ट्रांसफर करवा लिया है, एम आई राइट? तो मिंजी कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? एंड एक्सेप्ट कर लेती है कि वो यू मिंजी नहीं है। तो हैजुन उससे कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगा। तो मिंजी कहती है, क्यों? तो वो कहता है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन आगे जब मिंजी क्लास में आती है तो सब मिंजी की इंस्टा आईडी देखकर उससे कहते हैं, तुम्हारे तो काफी सारे फॉलोअर्स हैं, क्या तुम हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकती हो? तो वो कहती है, मैं इन दिनों इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रही। वेल आगे हम देखते हैं मिंजी स्कूल से वापस जा रही होती है एंड एक ब्रिज पे रुककर अपने पास्ट को याद करके रोने लगती है। देन वो एक कन्वीनियंट स्टोर आती है कुछ बाय करने की, तभी वहाँ हैजुन भी आ जाता है एंड उसका हाथ पकड़ के खुद बाय कर लेता है। देन आगे वो उसे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब वो ब्रिज से रोते हुए जा रही थी तब उसने उसे देख लिया था एंड उसका पीछा भी किया था, जहाँ उसने उसे कुछ पिल्स बाय करते हुए देखा था एंड जब वो बेक कर रही थी तो उसे वो पिल्स बाय करने से रोक लिया था, बिकॉज उसे मिंजी को लेकर अजीब गरीब थॉट्स आ रहे थे। एंड उसे बताता है कि मैं भी यहाँ ये बाय करने आया था, बिकॉज ये मेरी फेवरेट है, मुझे लगा था तुम सारी ले लोगी। वेल वो मिंजी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो उसे कहती है, क्या तुमने कभी फील किया है कि सडनली तुम्हें इस वर्ल्ड को छोड़ने का मन करे? एंड फिर कहती है, शायद तुमने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा। तो हैजुन कहता है, हाँ मैंने फील किया है। तो मिंजी कहती है, तो तुम्हारा क्या करने का मन करता है? तो हैजुन कहता है, कुछ नहीं, बस जीता हूँ। देन आगे हम देखते हैं मिंजी रियल मिंजी के बारे में सोच रही होती है कि वो भी आज यहाँ आ रही है, क्या मेरा आज यही एंड हो जाएगा? कि तभी टीचर क्लास में आकर बताते हैं कि आज एक और न्यू स्टूडेंट आई है। तो मिंजी सोचती है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, वो मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। कि तभी टीचर उसे अंदर बुलाते हैं एंड वो आकर सबको अपना नेम इंट्रोड्यूस करती है कि मैं यू मिंजी हूँ, जिसे सुनकर सब शॉक रह जाते हैं एंड कहते हैं, इसका नाम भी यू मिंजी है, अब हमारी क्लास में दो मिंजी हो जाएंगी, लेकिन ये हमारी मिंजी से बिल्कुल अलग है। एंड वही हैजुन ये सब सुन के काफी स्माइल कर रहा होता है और वही मिंजी कहती है, क्या तुम मिंजी ही हो जिसे मैं जानती हूँ? एंड दोनों एक दूसरे को देखने लग जाती हैं एंड यही ये पार्ट एंड होता है। सो गाइस, अब जब दोनों मिंजी एक दूसरे के सामने आ चुकी है तो क्या फेक मिंजी का सच सबके सामने आ जाएगा? तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका नेक्स्ट पार्ट। If you like this new drama, please like, share and comment.
एंड इफ यू आर अ न्यू पर्सन ऑन माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय एंड टेक केयर.